हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो मैंने शाम को फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया है और कल के ब्लॉग में मैंने आपको शेयर किया था एक रेसिपी, पनीर की रेसिपी। इजी और सिंपल, झटपट मैंने पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। आई होप कि वो रेसिपी आपको अच्छी लगी है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है आपको मेरे रेसिपी ब्लॉग्स। और रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना, आपको अच्छी लगे और झटपट आप बना सकते हो। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, कोई सब्जी बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो ये झटपट रेसिपी आपके लिए ईजी है। घर के सामानों से ये झटपट बनेगी। तो शाम के टाइम पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, दिन भर मैंने कोई शूट नहीं किया था, तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं जा रही थी नीचे और मैंने कहा चलो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो मुझे लेने जाना है दूध और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो पहले वो सारा सामान ले लेती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं डिनर में भी क्या बनाने वाली हूँ। तो उससे पहले मुझे जाना है मार्केट, पहले जाऊंगी मार्केट, मार्केट से आ जाऊंगी, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रेसिपी। तो चलो चलते हैं मार्केट में, दिखाती हूँ आपको वीडियो में आगे। एंजॉय दिस वीडियो। मैं आ रही हूँ लिफ्ट के यहाँ पर, मैंने बटन प्रेस कर लिया है नीचे जाने के लिए। तो चलो चलते हैं अभी नीचे। लिफ्ट आने के लिए लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ के लिफ्ट ना बिल्कुल जल्दी नहीं आते हैं। तो देखते हैं अभी कितने टाइम में लिफ्ट आती है। देखो ऐसे रुक रुक के आएगी, इसके बाद किस ऊपर वाले फ्लोर पर जाएगी क्योंकि एक साथ सारे लोग करते हैं बटन प्रेस लिफ्ट का। ये देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है, सोसाइटी एक दिख रही है, बहुत सुंदर सोसाइटी की लाइटें लगे, लेकिन ये इतना अच्छा लग रहा है देख, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलो अभी लिफ्ट आएगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं आ रखी हूँ नीचे और लिफ्ट मुझे जल्दी मिली नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था उसमें। तो अभी आ चुकी हूँ मैं सोसाइटी के बाहर, चलते हैं और दिखाते हैं आपको वीडियो में आगे। तो चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे फ्रूट वाले भैया खड़े हैं, तो कोई मेरे मतलब के फ्रूट्स मिल रहे हैं क्या? बनाना वगैरह नहीं है? अभी यहाँ पे फ्रूट वाले भैया है, देखते हैं अभी कोई फ्रूट यहाँ से हमें मिलते हैं क्या। बनाना कैसे दे रहे भैया? अभी मैंने फ्रूट ले लिए हैं, तो वेजिटेबल थोड़ा कुछ देखती हूँ। तो ये हमारी सोसाइटी है और सोसाइटी के बाहर ये मार्केट लगती है। तो भी वेजिटेबल देखते कुछ मिल रहे हैं क्या। तो यहाँ से ले लेती हूँ मैं कुछ वेजिटेबल्स। अभी मैंने ले लिया है सारा सामान और चल रही हूँ अभी मैं घर पे। तो ये सोसाइटी के बाहर ही गई थी मैं मार्केट में, तो ये सोसाइटी के अंदर अभी मैं जा रही हूँ। सामान सारा मिल गया था मुझे, मेरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लिए थे, तो अभी चलते हैं। अभी मैं जाके आई हूँ नीचे से ऊपर, मैंने फ्रूट सब्जी ले ली है। मार्केट में मुझे कहीं धनिया नहीं मिला है, धनिया अदरक मिला ही नहीं है, खाली मुझे वेजिटेबल एंड फ्रूट मिले हैं। और मैं दूध लेके आई हूँ, तो चलो फटाफट बनाते हैं डिनर। डिनर में बनाने वाली हूँ कढ़ी और वो कढ़ी और पत्ता गोभी चने की सब्जी। तो चलते हैं, मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, मिलते हैं आपको थोड़े टाइम में। मैं नीचे से आ गई हूँ, दूध लेने गई थी, दूध भी लेके मैंने चेंज कर लिया है। तो
तो मैं अभी बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैंने बना रही हूँ कढ़ी और पत्ता गोभी साथ में चने की दाल डाल के। तो चलो अभी आपको दिखाती हूँ वीडियो में। अब बज चुके हैं रात के 8:30 और 8:30 बजे मुझे बनाना है डिनर। तो डिनर में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी और साथ में बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्जी। और दूध भी रखना है गर्म करने के लिए। तो चलो गाइस आपके साथ रेसिपी थोड़ी सी शेयर करती हूँ। पूरी डिटेल्स में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। और जो कढ़ी बना रही हूँ उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो चलो गाइस फटाफट बनाते हैं डिनर। तो सब्जियाँ बना देती हूँ और आटा भी मैंने ऑलरेडी गूंद लिया है। तो चलो अभी दिखाती हूँ वीडियो में आगे। एंजॉय दिस वीडियो। तो मैंने पत्ता गोभी और चने की सब्जी रखी बनाने के लिए। यहाँ पे कढ़ी बन रही है, इसकी रेसिपी चैनल पे है। और यहाँ पे दूध उबल रहा है। तो यहाँ पे मेरी चल रही है डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता। पत्ता गोभी और चने के दाल को भिगो के रख दिया था। लहसुन मिर्च का छौंक लगा दिया, हल्दी और नमक डाल दिया है। सिंपल और इजी तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ और ये झटपट बन जाती है। तो हमारी ऑलमोस्ट ये सब्जी बनकर रेडी है। यहाँ पे हमारी कड़ी बन चुकी है, इसको हमने देना है तड़का। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है तड़के में और इसमें मैं डाल दूँगी मिर्च, हींग और कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे राई को मैंने डाल दिया, तो वो हो चुकी है। अब मैं डालती हूँ इसमें हींग। तो यहाँ पे मैं डाल देती थोड़ी सी हींग। और हींग होने के बाद इसमें मैं डाल दी मिर्च और कड़ी पत्ता। तो मिर्च और कड़ी पत्ते को होने देते हैं, उसके बाद हम लगा देंगे तड़का कड़ी में। यहाँ पे तड़का हो रखा है, अब हम इसको डाल देते हैं कड़ी में। तो ये बहुत टेस्टी लगता है इससे डबल तड़के की कड़ी। तो मैं हर रोज़ डबल तड़के की बनाती हूँ। मैं इसमें ऑलरेडी एक तड़का दे दिया है, सेम तड़का दिया है, उसमें लहसुन है, बस इसमें लहसुन नहीं है। तो अभी ये तड़के को मैं डाल देती हूँ कड़ी में। तो ये तड़का मैंने लगा दिया है, बहुत टेस्टी ये कड़ी बनती है तड़के वाली, डबल तड़के वाली। तो चलो गाइस अभी ये भी बन चुका है। तो फटाफट अभी बाकी की और तैयारी कर लेती हूँ मैं। चने की सब्जी और कढ़ी भी बन चुकी। कढ़ी की रेसिपी चैनल पे है, एक बार जरूर चेक कर लेना। बज चुके शाम के 10:10 बजे रहा मेरा डिनर और साथ में मैं बनाऊंगी रोटी। तो चलो गाइस बनाती हूँ रोटी और उसके बाद हम करेंगे डिनर। पे मैं करूँगी अपने ब्लॉग को एंड। मिलते कल नए ब्लॉग में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय गाइस।